बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड बिकॉज हमारे साथ ऑडियंस में लॉयर्स मौजूद हैं। कितने लोग हैं जो लॉयर्स बन रहे हैं? क्लास फेलोज हैं सारे आपस में? सारे ही लॉयर्स हैं। और आप कितने साल का कोर्स होता है, जरा कराएं, माइक पकड़ाएं जल्दी से ऑडियंस के अंदर। अच्छा, बड़ा मजा आता है ना कि लॉयर्स हों तो बोलने वाली ऑडियंस आ जाओगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उस्मान जफर। उस्मान, कौन से ईयर में आप? मैं फाइनल ईयर में हूँ। फाइनल ईयर में? Yes. तो दलाइल शलाइल दे देते हैं, मनवा लेते हैं बात के? नहीं। हाँ जी, ऑलमोस्ट। घर के अंदर बात मानते हैं लोग के? नहीं, घर पे तो किसी की नहीं कोई भी मानता। बस उसका मतलब है ये बड़े अच्छे लॉयर बनेंगे। कामयाबी का राज ये शादी के बाद भी आपने रखना है कि आपने घर में नहीं जीतना, बाहर जितना जीतना और जीत जो, घर में नहीं जीतना। अच्छा जी, बातें इस तरह होती रहेंगी और आपको मालूम है कि वीकेंड शो में इसी तरह हम यंगस्टर्स को भी इनकरेज करते हैं और एक फैमिली ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहाँ पे फैमिली ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात आती है, वहाँ पे म्यूजिक का बड़ा एक अहम हिस्सा है हर किसी की जिंदगी के अंदर। और वैसे भी मौसीकी रूह की गिज़ा होती है, और जब मौसीकी सुनने को आते हैं तो ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ, ऐसे ऐसे लेजेंड्स मौजूद हैं। फोक मौसीकी की अगर बात करें तो मेरे आज ही जो मेहमान शख्सियत है, अल्लाह का खास करम है उनके ऊपर, एंड ही इज अ ब्लेस्ड सोल। दिल जरूर टूटा, दिल में चोट जरूर आई, दिल घायल भी हुआ, लेकिन वो क्या घायल हुआ, क्या गम लगा, क्या चोट लगी कि उसके बाद पीछे मुड़के शायद ना देखा, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसे रास्ते उस मेरी आज की मेहमान शख्सियत के लिए बनाए कि वो एक अवामी फनकार बन गया। अच्छा, एक होता है कि आप एक खास कैटेगरी के अंदर मशहूर हो जाते हो, आप यंगस्टर्स में मशहूर हो जाओगे, आप बड़े बुजुर्गों में मशहूर हो जाओगे या सीरियस किस्म की म्यूजिक सुनने वालों में, लेकिन मेरी आज की जो मेहमान शख्सियत है, अगर मैं कहूँ कि वो हर एक एक पाकिस्तानी बच्चे, बड़े बुजुर्ग, हर किसी के, मेरे तमाम के तमाम वो मेहनतकश बहन भाई, वो भाई जो सुबह सवेरे निकलते हैं, शाम को घर वापस आते हैं, वो मेरे भाई जो ट्रैक्टर चलाते हैं, वो मेरे भाई जो ट्रक चलाते हैं, वो मेरे भाई जो रिक्शा चलाते हैं, वो जो मेहनत मजदूरी करते हैं, वो जब इनकी आवाज़ सुनते हैं तो उनको सुकून मिलता है, उनको राहत मिलती है। और ये जो प्यार है, जो अपनाइयत है, ये मेरी मेहमान शख्सियत को ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मिली। एंड अनडाउटेडली ही इज अ लिविंग लेजेंड। आप अगर अवार्ड्स की बात करें, नेशनल सतह पे, कौमी सतह पे, बैनुल अक्वामी सतह पे इतने अवार्ड से नवाजा गया कि मैं समझती हूँ शायद ही इनके घर के अंदर कोई जगह बच गई हो। बट अगेन, और टैलेंट लेकर आगे बेटे भी बढ़े। आज इनसे बड़ी, आज के मेरे जो मेहमान शख्सियत है, इस अवामी फनकार के साथ हमने दिल की कुछ बातें करनी, कुछ हट की गुफ्तगू होगी। कभी इन्होंने दिल लगाया दिल लगी के लिए, कभी इन्होंने कहा कमीज तेरी काली, अब वो कमीज काली किसकी थी? दिल तो लगा, दिल तो लगा, लेकिन वो दोबारा से यादों को तरोताजा करेंगे। पहचान गए कि नहीं? क्लैपिंग से पता चलेगा। आज हमारे साथ मौजूद होंगे अताउल्ला ईसा खेलवी, लाला के साथ बहुत सी बातें होंगी। अच्छा ऑडियंस, आप करना चाहेंगे अताउल्ला ईसा खेलवी साहब के बारे में बात? सारे लोग हैं ना, और लाइन में बाहर भी लोग कुछ खड़े हुए, क्योंकि आज बड़ा म्यूजिकल माहौल होने वाला है। अच्छा, आप ही से मैं स्टार्ट करूंगी, कोई फरमाइश होगी आज आपकी कि नहीं? हाँ जी, मैं उनसे गाना सुनना चाहूंगा। कौन सा? कमीज तेरी काली। किसकी कमीज काली आपने देखी जिसके पीछे पड़ने? बस देखी तो मैंने बहुत सारों की, अब बस क्या होता है। अच्छा, इनको दे साथ में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहसिन रजा। मोहसिन, लाला के बारे में क्या कहना चाहोगे? जी, लाला के बारे में ये मैं कहना चाहूंगा कि वो पाकिस्तान का वकार है। हाँ। और उन्होंने जो म्यूजिक को एक अरूज बख्शा है। हाँ। जो बामे अरूज तक ले गए, मैं नहीं समझता कि उनके कद का कोई ऐसा कोई फनकार होगा। वो यकीनन पाकिस्तान की आन है, शान है, अनडाउटेडली। और एक बड़ी प्योरिटी इनको दीजिएगा, एक बड़ी प्योरिटी उनकी आवाज के अंदर नजर आती है, और वो दिल से जो गाते हैं वो फिर एकदम से असर करती है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, बहुत प्योरिटी है उनकी आवाज में और बहुत दिल से गाते हैं। क्या नाम क्या आपका? अरुषा सनाज। अच्छा, सो आप कोई फरमाइश करना चाहोगी? आप भी कमीज तेरी काली? जी, हम लोग काले काले कोट पहनते हैं, बस कर दो आँख, इतना तुमने कमीज तेरी काली सुना है। लेकिन आज हमने बहुत सी मौज मस्ती करनी है, बहुत सी बातें करनी है। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आज के मेरे इस अवामी फनकार के लिए, अवामी शख्सियत के लिए, कि जिसने राज किया है और वो करता रहेगा हर एक एक पाकिस्तानी के दिल में, एक खास जगह इसने बनाई है। आज की मेरी इस मेहमान शख्सियत को वेलकम करते हैं, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द वन एंड ओनली अताउल्ला ईसा खेलवी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं कितना बोलती हूँ ना, आज मैंने नहीं बोला, आज मैं चाहती हूँ आप बोले सिर्फ और सिर्फ। नहीं, आज भी तुम बोलोगी, मैं कम बोलता हूँ। क्यों आप कम बोलते हैं वैसे? मैं एनर्जी सेव करता हूँ गाने के लिए। गाने के लिए? अच्छा, मुझे दिल लगा था, दिल लगी के लिए, कमीज तेरी काली, क्या माजरा क्या है लाला? मुझे लगता है अभी तक आप वो निकल नहीं सके उस चक्कर से। माजरा सिर्फ इतना है, मुझे गाने का शौक था और जो अच्छा कलाम मेरे हाथ चढ़ा मैंने गा दी। अनडाउटेडली। लेकिन लाला, अगर हम आपकी बात करें, आपको अगर मैं ये कहूँ कि आप एक अवामी फनकार हैं, हर एक एक पाकिस्तानी के दिल में बसते हैं, आप जीटी रोड के ऊपर निकल जाएं, जो ट्रक होते हैं उनके पीछे शायद ही मैं किसी और की तस्वीर देखती होंगी, और तस्वीर के नीचे जो अच्छे अल्फाज में शेर व शायरी की होती है वो सिर्फ आपके लिए होती है, और ये प्यार, और ये मैं उन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ कि जो बेलौस मोहब्बत करते हैं आपसे। कोई शक नहीं। कोई खास वजह आपको क्या लगता है कि क्यों कनेक्शन है इतना स्ट्रॉन्ग? मेरा ख्याल है मैं उनके दिल की बात करता हूँ, और बाकी तो वो जो तस्वीर बनाते हैं या मेरे बारे में ऐसी बातें लिखते हैं वो खुद ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। लेकिन मैं तो यही समझता हूँ कि चूँकि मैं उनके दिल की बात करता हूँ, सादा सादा बात करता हूँ, कोई औखी मौसीकी में नहीं जाता, सीधी सीधी, तो शायद इसलिए पसंद करते हैं। अच्छा, कितना अच्छा लगता है जब जीटी रोड पे आप ट्रैवल करते हैं तो आपकी तस्वीर नज़र आती है, और बड़े प्यार से बनाई होती है, सजाई हुई होती है, तो कितना मज़ा आता है और कितनी एनर्जी और मिलती है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप अल्फाज में बयान नहीं कर सकते, और मेरी भी वो हालत होती है जो मैं बयान नहीं कर सकता। उनकी मोहब्बत इतने अरसे से मुझे उन्होंने दिल में बिठाया हुआ है, ये अल्लाह की खास इनायत है और मेरे चाहने वालों की खास मोहब्बत। लाला, गुस्सा आता है आपको कि नहीं? मैंने नहीं गुस्से में देखा, ना मैंने कभी सुना है कि कोई आपने चीखम पुकारम की हो, कोई चीज तोड़ी हो। मैं नहीं, मुझे गुस्सा नहीं। तो जाता किधर है? ये सब्र का मुजाहरा है या बर्दाश्त? पता नहीं, माँ ने यही सिखाया था कि बेटा जितना बर्दाश्त कर सकते हो करो। तो जब आपने सिस्टम से बगावत की तो वालिद साहब और वो जो सारे फैमिली थी वो तो एक साइड पे होगी, वालदा ने नहीं रोका जब आप घर छोड़ के जा रहे थे तो? नहीं, वालदा ने और मेरी छोटी बहन थी, उसने बहुत कोशिश की कि मैं रुक जाऊं, लेकिन मैंने कहा कि मैं इसको, उस वक्त तो मेरा ये ख्याल नहीं था कि यार मेरा परवरदिगार, मेरा मालिक मुझे यहाँ तक ले आएगा हाथ पकड़ के, क्योंकि मेरे पास कोई गाना वाना तो था नहीं, वैसे ही अताई आदमी हूँ जो उस वक्त फोक चलता था या इर्द गिर्द सुनता था, या उस दौर में जो अच्छे गायक थे जो वो गाते थे, मैं उनकी कॉपी करके अपनी तस्कीन कर लेता। अच्छा, था। आप थे कितने साल के उस उम्र में, उस वक्त में? ये मैं स्कूल टाइम की बात कर रहा हूँ। स्कूल टाइम? अच्छा, हाँ, ठीक है, बहुत यंग, ठीक है। अच्छा, 14-15 साल कह लें आप। 14-15 साल का, हाँ, लड़का, नौजवान। उस वक्त मैं मुकेश को गाता था, अनैज हुसैन भट्टी साहब को। मुकेश मेरे फेवरेट थे क्योंकि वो भी मेरी तरह सैड सॉन्ग ज्यादा गाते थे, और यूं समझ लें कि मुकेश मेरा रूहानी उस्ताद, तो उनको मैंने बहुत गाया। बाकी सारे मेरे सीनियर जो थे, शौकत अली साहब को मैंने गाया, वो मेरे सीनियर हैं माशाल्लाह। भट्टी साहब, अल्लाह करे कि रहमत करे, इन सबको मैंने गाया। तो बहन और वालदा ने चाहा कि आप रुक जाएं, लेकिन आप 14-15 साल के थे जब ये सारा सिलसिला हुआ? मेरा ख्याल है 16। लेकिन लाला, अब 15-16 साल की अगर हम बात करें, ऑडियंस अग्री करेगी, बड़ी हिम्मत चाहिए होती है कि आप बगावत करें। लोग डर जाते हैं कि यार सारे अगेंस्ट हैं तो दुआएं भी नहीं मिलेंगी, बरकत नहीं आएगी, तो कैसे मैं आगे बढ़ूंगा? खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। जब उसने टैलेंट दिया तो फिर उसने हिम्मत और ताकत भी दी। और शायद मैं ना कर पाता, मेरे एक उस्ताद थे जो मुझे क्लास इंचार्ज भी थे और अंग्रेज़ी पढ़ाया करते थे, अंग्रेज़ी में मैं सबसे ज़्यादा नालायक था और मुझे बहुत मार पड़ती थी। अच्छा, तो एक दिन उन्होंने, जुम्मे का दिन था, एक जब सारे पीरियड ख़त्म हो गए तो लास्ट में एक पीरियड होता था उस वक्त जिसे बज़्म अदब कहते थे। ठीक है, कि अदब के मुतल्लिक हर बच्चे ने कुछ ना कुछ अपनी तरफ से वो परफॉर्म करना होता है, किसी ने कहानी सुनाई, किसी ने लतीफ़ा सुनाया, किसी ने कोई नज़म सुनाई। तो जब मेरी बारी आई तो उन्होंने फरमाया कि अता तुम क्या सुनाओगे, तो मैंने उस वक्त एक गाना मशहूर था सलीम रजा साहब का, अल्लाह उन्हें बरकत रहमत करे,
वो मैंने सुनाया तो उन्होंने अप्रिशिएट किया और वो उन्होंने मेरे अंदर एक तहरीक पैदा की। उस्ताद बाप होता है, रूहानी बाप, तो वो तहरीक इस तरह मेरे अंदर उसने मेरा एक जुनून बरपा किया जिसने मुझे बगावत पे उकसाया। वरना 50 साल पहले वहाँ आज भी म्यूजिक की कोई दुकान नहीं मिलेगी मेरे इलाके में। आपके अलावा? हाँ जी बिल्कुल। नहीं मेरे अलावा नहीं, दुकान ही नहीं मिलेगी कि कोई कैसेट खरीद सके या सीडी वगैरह। तो इतने वहाँ इस तरह की सूरत हाल थी, ऐसा सिस्टम था। आज से 50 साल पहले तो तस्वुर ही नहीं कर सकते। मैं ट्राइबल पठान हूँ सही, लेकिन शौक इतना, जुनून इतना था, इश्क इतना था कि उसने मुझे सब कुछ छोड़ने पे मजबूर कर दिया। लाला एक बात है, कल मैं जरा काम से तो इश्क था, लेकिन एक और भी इश्क आपने किया, वो भी 16 साल। वो सब करते हैं, वो सब करते, वो भी 16 में कर डाला मतलब के? नहीं वो सब करते हैं, लेकिन काम से इश्क जो है वो जरूरी है, वो जरूरी है। लेकिन वो वाला जो किया वो 16 साल की उम्र में ही कर लिया था। 16 साल तो खास उम्र होती है इश्क। वही तो उम्र होती है, इस उम्र में तो बंदा दुआएं ही दे सकता है। तो लाला कोई दिल में आरजू थी कि आगे बढ़ना है, दुनिया को साबित करना है, अपनों को साबित करना है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ और मेरे में है टैलेंट? नहीं, मैंने पहले कोशिश की कि अपने जो मेरा वालदैन थे, जो मेरा खानदान था, उन्हें मैं इस बात पे राजी कर लूँ कि मैं अपने लिए गाता हूँ, अपनी तस्कीन के लिए। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं बनना चाहता या ये जॉब मैं मुकम्मल तौर पे अपने ऊपर तारी नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने मुझे मेरी ये सूरत पसंद ही नहीं की। अच्छा। उन्होंने तो एक बना दी कि या म्यूजिक या खानदान, इन दोनों में से जो तुम पसंद करो। तो फिर मैंने अपने लिए ये रास्ता पसंद कर लिया। पता नहीं क्या हुआ मेरे इश्क ने, मेरे और अल्लाह ताला ने फिर there was no looking back। अच्छा एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक पे जाने से पहले याद आती है वो 16 साल वाली मोहब्बत की कि नहीं? वो मोहब्बत तो यहाँ तक ले आई है। जिस भाई ने सीटी बजाई तुम्हारी उम्र निकल चुकी है, अब 10-15 साल हो चुके हैं 16 साल को भी हुए हुए। अच्छा जी एक हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बहुत सी बातें, लेकिन लाला हैं तो फिर कमीज तेरी काली भी होगा और आपकी तमाम की तमाम फरमाइशें ओनली ऑन द वीकेंड शो। ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड। हमारे साथ इस वक्त अताउल्लाह इसा खिलवी साहब मौजूद हैं, अगेन ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, और लाला से जरा थोड़ी सी चिट चैट भी हो रही है। लाला ये जो वक्त के साथ साथ इतना आपने इज्जत हासिल की, इतनी शोहरत हासिल की, इंसान का अक्सर सर भी फिर जाता है, घूम भी जाता है ना, इज्जत कहते हैं ना मिल तो जाती है, पैसा आ जाता है जब लोग इर्द गिर्द फैंस भी हैं, खवातीन भी, मर्द हजार पूरी दुनिया के अंदर, कभी गरूर हुआ अपने ऊपर? अगर हुआ होता तो यहाँ तक ना पहुँचता मेरा ख्याल है, मुझे खुद एहसास नहीं कि मैं कितना अल्लाह ने। अच्छा लेकिन क्या वजह है कि आप वैसे के वैसे, कोई आपके मिजाज में तब्दीली नहीं आई, वो क्या एक ऐसी वजह है आप बेहतर तरीके से बता सकेंगे? मेरा ख्याल है कि मेरी माँ की तरबियत, उसने जो मैंने उसके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारा तो उसने जो कुछ मुझे एजुकेट किया उस अवाइल उम्र में, उसका असर है अभी तक में। अच्छा जब आप मशहूर हुए और आहिस्ता आहिस्ता आपके गाने आना शुरू हुए, एक से एक बढ़ के हिट होना शुरू हुए, तो वालदा छुप छुप के सुनती भी थी, आपको फोन करती थी कि नहीं? सुनते सब थे। हाँ। क्योंकि अम्मा हुजूर बताती थी, अल्लाह उन्हें गरे के रहमत करे, कि तुम अपने पापा से इतने डरते हो, लेकिन वो तुम्हें सुनते हैं लेकिन मेरे सामने नहीं सुनते थे। बाद में जब हमारा आना जाना शुरू हुआ तो कभी ऐसा होता था कि मैं घर में हूँ और अब्बू भी बैठे हैं, तो किसी न किसी चैनल पे मेरा कोई प्रोग्राम चल पड़ता था तो वो उठकर चले जाते। अच्छा।
वो स्टिल ये इजहार करते थे कि मुझे पसंद नहीं है ये सर, लेकिन सुनते थे। अम्मा हुजूर बताती हैं कि वो सुनते थे। सुनते थे। अच्छा, कभी आंखें नम होती थी, कभी दिल करता था कि मुझे, मैं मशहूर तो हो गया हूँ, शोहरत तो मुझे मिल गई है, लेकिन अपनों का साथ नहीं है, और साथ से मुराद ये है कि रजामंदी नहीं थी इस काम में। अब एक वही आंखें तो नम होती हैं और तो गुजरात की। एहसास से महरूमी भी है जो मेरी। किस चीज की महरूमी लाला? बहुत सारी महरूमी, मसलन माँ बाप से अलहदगी, पूरे सिस्टम से अलहदगी। मुझे अपने मियाँ वाली, अपने गांव ईसा खेल से बहुत मोहब्बत है। मैं अब भी, मुझे जितना भी वक्त मिलता है मेरी कोशिश होती है कि मैं वहीं गुजारूं, और वहां जो मुझे सुख चैन मिलता है जैसे माँ की गोद में मिलता था, वो अपने वतन में मिलता है। क्या यही वजह कि जो आपने घर अभी आपका है, अगर देखें बाहर से भी और अंदर से भी, तो वो आपके कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है। बड़ी खूबसूरत खूबसूरत दरवाजे, और बाहर से अगर मैंने जितना देखा है और जितना सुना है जाना है, यही वजह कि आपने कहा कि अगर मैं वहाँ नहीं जा सकता तो वो सारा ये, कल्चर ये मेरी शख्सियत में आपको नजर आता होगा कि मैं अपने कल्चर से कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैं दुनिया के किसी कोने में बैठा हूँ, मैं शलवार कमीज पहनता हूँ, ये मेरा कौमी लिबास है। और अपना कल्चर तो खैर इतना रिच है कि दुनिया में ऐसा कल्चर कहीं मैं महसूस नहीं कर पाता। इसीलिए आपने सारी चीजें वैसी की वैसी रखी ताकि अपने कल्चर के करीब है। बिल्कुल सही। अच्छा जी लाला, आपका बेहतरीन दोस्त, आपका बेहतरीन साथी आपके साथ है, क्या आप सुनाना पसंद करेंगे? मैं गाना तो कुछ और चाह रहा था, लेकिन मेरे बच्चों की फरमाइश है कि मैं इसी पे इक्तफा करते हैं अभी, फिर इसके बाद अगर मूड बना तो सुना दे। बिल्कुल सही। ਰੋਗ ਨਾ ਲਵੀ
Once again, अताउल्ला ईसा खेलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लाला, आपकी आंखों में दर्द नजर आता है, वो दर्द जो है वो सच सच बताएं, आज छोड़ दें। और मुझे पता है आप सच ही बताते हैं। मैंने पहले अर्ज किया कि इतनी सारी महरूमियां हो तो फिर ऐसे ही होता है। अच्छा, एक तो महरूमी होगी घर वालों की, वो जो इश्क हुआ 16 साल वाला, वो आज तक जिस तरह याद है, तो वो भी लगा कि वहां से हाँ नहीं हुई और इनकार हुआ। उस दर्द का अपना मजा है, अपना मजा है। और उस दर्द की वजह से आपको और ताकत बेसिकली तो जो अल्लाह ने मेरे गले में चिप फीड की है, तो दर्द को तो उसी का हिस्सा है, लेकिन हालात ने उसको फिर पॉलिश कर दिया। और इसे शहर ने तोहमत लगाई सागर पर, ये शख्स दर्द की दौलत को आम करता है। तो ये दर्द की दौलत भी अल्लाह की तरफ से इनायत है। लेकिन लाला, इंसान जब किसी को टूट के चाहता है या मोहब्बत करता है और मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ना मिले, तो दर्द तो होता है, चोट भी लगती है, इंसान घायल भी होता है। तो जब आपको मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं मिला, और वो भी 16 साल के एक लड़के को, 16-17 साल के एक लड़के को, तो तब क्या एहसासात थे? क्योंकि उस वक्त के अंदर वो उम्र का ऐसा हिस्सा होता है ना कि इंसान होश से काम नहीं ले रहा होता, जोश से लेता है। फिर ये था कि तुझसे बिछड़ के हम तो मुकद्दर के हो गए, फिर जो भी दर मिला हम उसी दर के हो गए। अरे क्या कहने, वाह वाह। कभी मालूम करने की कोशिश की कि किधर है वो? मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कोई डिस्टर्ब हो। लेकिन तजस्सुस हुआ कि कहाँ है? तजस्सुस तो रहता है सारी जिंदगी, जुस्तजू रहनी चाहिए सारी जिंदगी। जुस्तजू रहे तो इंसान जिंदा रहता है, वरना तो मर जाता है। और मालूम कराने की कोशिश भी नहीं की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिल्में आपने की 5-6 की फिल्म्स? बेवकूफी थी मेरी। अच्छा, मैंने तालियां बिल्कुल बेवकूफी पे नहीं, मैंने आपकी बहादुरी में कि आपने क्यों लाला बेवकूफी क्यों थी? वो यार हमारे यहाँ हमारे मुल्क में मुरव्वत दोस्ती रख रखाव जरा ज्यादा उसका ख्याल रखा जाता है, तो मैंने भी रख रखाव दोस्ती में वो कर ली। किसकी दोस्ती में? एक दोस्त था मेरा, अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो उसका प्रोड्यूसर दोस्त था। अच्छा। तो प्रोड्यूसर ने उसे कहा कि ये आजकल इसका एक गाना चला हुआ है कमीज तेरी काली, ठीक है, तो उसको एक फिल्म के लिए मैं करना चाहता हूँ। तो वो मेरे पास आया, मैंने कहा मैं प्लेबैक सिंगर तो हूँ नहीं, ठीक है, मैं तो आवारा सिंगर हूँ, आधे आधे घंटे का गाना होता है मेरा। तो फिल्म में तो मखसूस 3-4 मिनट की, तो उन्होंने कहा हमने री रिकॉर्ड कराएंगे इसे और आप कर दें। मैंने कर दिया वो गाना कमीज से निकाली। अच्छा। फिल्म का नाम था बदमाश ठग, ठीक है, या ठग बदमाश, दोनों में से ठीक है। तो जब वो गाना रिकॉर्ड हो गया तो उसने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं ये गाना पिक्चराइज भी मुझ पे होगा। अच्छा, ठीक है। फिर मैं मुरव्वत में आके स्टेज पे बैठ गया, उन्होंने वो शूट कर लिया। तो सिनेमा हॉल की तारीख में यूं हुआ कि सिनेमा में कभी फिल्म रिवाइंड नहीं की गई, ठीक है, ये रिकॉर्ड पहली दफा ऐसा हुआ कि कमीज तेरी काली जो सिनेमा हॉल में लोग थे उन्होंने कहा कि इसे दोबारा चलाया जाए, फिर वो दोबारा चलाया गया, दोबारा चला, ठीक। तो प्रोड्यूसर ने समझा कि इस पे अगर फिल्म बनाई जाए, अच्छा, तो शायद बहुत कामयाब हो, ठीक है, कामयाब ना हो तो बिजनेस अच्छा कर जाएगा। तो उसके लिए मुझे जब उन्होंने कहा तो मैंने तो मादरत कर ली कि मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन वो अल्लाह गरी के रहमत करे हमारे बहुत ही सीनियर, बहुत ही काबिल एहतराम दोस्त साथी सुल्तान राय सर, उन्होंने हुक्म दिया कि तुमने मेरे साथ फिल्म करनी है, मैं भी इस फिल्म में काम करना। अच्छा, और हीरोइन कौन होनी थी?
हीरोइन मेरा ख्याल है, मुझे याद नहीं। लाला ये तो ना करें ख्याल, मतलब पांच फिल्में की और हीरोइनों का ना बताओ, ये तो ज्यादा। मुझे अपनी हीरोइन का नाम याद नहीं। वो बड़ी अच्छी आर्टिस्ट थी, जिन्होंने फिल्म देखी उनको शायद याद। अच्छा। तो वो फिल्म मैंने की दिल लगी, ठीक है, वो मैं तो पूरी नहीं देख सका। हाँ। लेकिन लोगों ने उसे पसंद किया और उसने अच्छा बिजनेस किया। उसके बाद एक फिल्म बनी जिंदगी। अच्छा। फिर सांवल। लेकिन लाला फिल्मों के अंदर तो फिर आपको डांस भी करना होता है, रोमांटिक सीन्स होते हैं, इश्क मोहब्बत की बातें होती हैं, रोना धोना हर किस्म का, तो वो फिर किस तरीके से डायलॉग्स सामने हीरोइन खड़ी भी थी। ओके 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 कर लिया। वही तो मैं बता रहा हूँ कि जब मैंने देखा तो मैं मुझे शर्म आई कि ये मेरे बस का काम नहीं है तो मैं क्यों पंगा। नहीं, लेकिन जब आपने कोई रोमांटिक सीन किया हीरोइन के साथ तो वो सही हो गया। मैंने कोशिश की कि मैं वो अपनी वो रिवाइवल करूँ उसको, लेकिन पता नहीं किस हद तक कामयाब हुआ। हाँ। देखने वालों ने पसंद किया। मैंने सुना कि आपने ऐसे इंटेंस सीन्स किए कि डायरेक्टर ने कहा बहुत इंटेंसिटी आ रही है वो जो हीरोइन के साथ आप ला रहे हैं, ये मुझे सुनने में आया था। लेकिन लाला मतलब आपने अटायर भी नहीं चेंज किया, और लोग करते हैं फिल्मों के लिए भी और ग्लैमर की दुनिया में आते हैं तो अगेन फिल्मों के लिए आपको किसी ने कहा नहीं कि यार गेटअप चेंज करो, ये करो, बालों को इस तरह करो, कपड़े नहीं, वो मैंने पहले ही शर्त रख दी थी कि मैं इसी गेटअप में रहूंगा, आप मुझे कोई और गेटअप देंगे तो वो मेरी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं। दूसरा, मैं ऑलरेडी अपने सुनने वालों में एक मेरा है बना हुआ, तो उसको मैं खराब नहीं करना चाहता। अच्छा, सही, ठीक। तो बेगम से भी मुलाकात इंडस्ट्री के अंदर हुई? जी, वो फिल्म से पहले हुई। वो फिल्म एक थी नाम मेरा बदनाम। अच्छा, बाजगाजी उसके अंदर थी? नहीं, उसकी नहीं थी, ये संगीता बेगम की फिल्म थी नाम मेरा बदनाम। ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरी फिल्म के लिए गाएं। मैंने कहा मैं प्लेबैक सिंगर नहीं हूं। तो उन्होंने कहा फिर अगर आपका गाना किसी और सिंगर से गवा लूं, तो मैंने कहा मुझे कोई एतराज नहीं है, किस से गवाओगी? तो उन्होंने कहा मैडम नूरजान। मैंने, इससे बड़ी क्या सादत है मेरे लिए, क्या मेरी खुशकिस्मती होगी कि मेरा गाना मैडम गाए। तो मैडम ने गाना गाया इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, तो वहाँ मुलाकात हुई। अच्छा, वहाँ हुई। तो कौन सी एक ऐसी चीज थी जो क्लिक की कि यार यही है वो जिससे करनी है शादी? वो मैं पहले कह चुका हूँ कि तो इसे बिछड़ के हम तो मुकद्दर के लाला, उनसे कब बिछड़े थे कि मिल गए दोबारा से, मतलब उनमें झलक नजर आई उनकी? बस वही है ना, असल बात यही है, झलक आई है नजर और कुछ नहीं, ये तो मुझे मालूम है। अच्छा, लेकिन उनके सामने जिक्र कर लिया था कभी जिंदगी में, किया जिक्र के? मैं झूठ नहीं बोलता, मतलब सच भी कड़वा होता लाला, कभी कभार जरूरी नहीं होता। वो बेहतर है बंदा बता दे, अगर कल तुम्हें मेरे बारे में पता लगे तो बुरी बात, मैं पहले ही बता पता तो लग जाता है, पता लग जाता है लाला, यही वजह है आपकी, यही सच्चाई है कि लोगों के दिलों में आप राज करते हैं। अच्छा जी, एक बड़ी खूबसूरत गजल आपने गाई और वो जहाँ जहाँ भी परफॉर्म किया, चाहे पाकिस्तान की हम बात करें, सब कॉन्टिनेंट की, पूरी दुनिया के अंदर उसको बड़ी पजीराई हासिल हुई। मैं चाहती हूँ आज वीकेंड शो पे इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, मैं चाहती हूँ कि आज वीकेंड शो पे आप जरूर हमें सुनाएं और नाज़रीन को। इश्क के रोग मार देते अक्ल के सोग मार देते हैं, अरे आप खुद तो नहीं मरता कोई, दूसरे लोग मार देते हैं। उसने शादी का जोड़ा पहन कर सिर्फ चूमा था मेरे कफन को, उसने शादी का जोड़ा पहन कर सिर्फ चूमा था मेरे कफन को, बस उसी दिन से
बस उसी दिन से जन्नत की हूरें बस उसी दिन से जन्नत की हूरें मुझको दूल्हा बनाए हुए हैं इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं किस कदर चोट खाए हुए हैं मौत ने हमको मारा है और हम जिंदगी के सताए माहौल बना हुआ है क्योंकि हमारे साथ इस वक्त फोक मौसीकी के बेताज बादशाह मौजूद हैं अताउल्लाह इसा खिलवी साहब और इनकी टैलेंट इनके फन के बारे में जितनी भी बात की जाए कम है। लाला एक बात बताएं, सोच रहे हैं कुछ? नहीं कुछ सोच रहे हैं। अच्छा वैसे गहरी सोच में तो क्या करते हैं? आंखें बंद करके सोचते हैं? कुछ लोग होते हैं एक चीज की तरफ घूरना शुरू हो जाते हैं और घूर के सोच रहे होते हैं कुछ और। आप कैसे सोचते हैं? ऐसा ही मेरा भी ऐसा ही। कैसे आप इस वक्त? हाँ नहीं वैसे आप सोच रहे हो तो कैसे सोचते हैं? बस यही जिस तरह आपने कहा है कि जो चीज सामने उसे घूर के सोच रहे होते हैं। अच्छा प्लानिंग करते हैं या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह मुझे जहाँ तक अल्लाह जल्ले शान हो ने खुद मेरी मार्केटिंग की है, मैं वो खुशकिस्मत आर्टिस्ट हूँ। अच्छा मुझे किसी कंपनी ने कोई रेडियो टीवी ने स्पॉन्सर नहीं किया। लेकिन लाला इंसान जिंदगी में बड़े फैसले करता है, कुछ फैसले जल्दबाजी में कर लेता है, कुछ फैसले हालात की वजह से। मैंने किए हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक ही फैसला ऐसा है जिस पे मैं नादिम हूँ और शायद नादिम रहूँ। उसके अलावा मैंने कोई ऐसा फैसला नहीं। आपकी जाती जिंदगी से रिलेटेड है? मेरी जाती। और आपको लगता है कि अगर वो फैसला ना करते तो जिंदगी किसी और रुख की तरफ होती? और होती ना, जिस रुख पे है मैं इससे बहुत मुतमइन हूँ, लेकिन कभी कभी उस गलत फैसले की वो तकलीफ तो होती है। और आपको लगता है आपने जल्दबाजी में किया? जी हाँ। उम्र की वजह से? उम्र या पठान हूँ, सीधा सीधा फैसला कर लिया। उम्र के किस हिस्से में लाला ये किया था फैसला? गाने का नहीं, जो ये फैसले की बात करें कि जिस पे अब नदामत भी होती है कि ना मैं करता। ये 30-35 साल की उम्र में। अच्छा एक फैसला आपने किया 17-1 साल की उम्र में कि सिस्टम से बगावत की? उसके सम्राट तो आपके सामने है, मैं देख रहा हूं। वो तो अनडाउटेडली, लेकिन एक फैसला जो और बहुत बड़ा किया वो 30-35 साल की उम्र में किया, वो गलत हुआ। अच्छा बच्चों को सिखाया कि ऐसे फैसले नहीं करने? बिल्कुल जाहिर है बच्चे मेरे माशाल्लाह, मैं कोशिश तो करता हूँ कि अपना तजर्बात, लेकिन आज का बच्चा जो है वो कंप्यूटर को और इंटरनेट को अपना उस्ताद समझता है। बहरहाल मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी सारे दो बेटे हैं, दो बेटियां हैं और माशाल्लाह दो तो उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली है, एक इंजीनियर है, दूसरी माशाल्लाह मेरी बेटी हॉलीवुड के साथ काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल, सावल को तो हम देखते ही रहते हैं, मिलते भी रहते हैं। और बिलावल जो है वो फिल्म डायरेक्शन में, अभी उसका आखिरी साल है। अच्छा हर किसी का कहीं ना कहीं परफॉर्मिंग आर्ट्स की फील्ड से ताल्लुक है, ये टैलेंट ऑब्वियसली रन्स इन द फैमिली। अच्छा लाला एक बात बताएं, डर लगता है आपको जहाज में बैठने से? बहुत डर, मुझे फोटो से डर लगता है वाकई में। और अल्लाह ने मेरा नसीब ऐसा लिख दिया कि मेरी आधी जिंदगी जहाज में गुजर गई। नहीं तो अगर जिस इंसान को फोटो से डर लगता है वो जहाज में कदम भी कैसे रख सकते हो? पूरी दुनिया में कॉन्सर्ट करे भाई, मजबूरी है, अब जाना पड़ता है। तो क्या करते हैं आप जब आपको जाना पड़ता है? आपको लग रहा है आपने लंदन जाना है? दवाई लेता हूँ कि सो जाऊं। अच्छा क्या जो दवाई है वो सफर के हिसाब से होती है कि 10 घंटे का सफर करना है तो आधी दवाई खा? हाँ जी उसी हिसाब से होती है। क्रू को मैं मना कर देता हूँ कि मैंने ना खाना है ना पीना है, मुझे मत उठाना। अच्छा सबसे लंबी फ्लाइट कौन सी थी कि यार दवाई का असर भी खत्म हो गया? जो अमेरिका की जाहिर न्यूयॉर्क की फ्लाइट थी। हाँ।
तो उसने बहुत खराब किया मुझे। अच्छा। बल्कि अब भी करती है। अच्छा। तो ये तो यूके वगैरह की या फिर इधर फिजी की फ्लाइट बहुत लंबी थी। बहुत लंबी। हाँ, हाँ। कोई दो दिन जहाज में ही बैठे रहे। अच्छा, तो कितनी गोलियां खाई? वो तो गोलियां भी खत्म हो गई होंगी। हाँ जी बिल्कुल, गोलियां तो खैर खत्म नहीं होती मैं। लेकिन लाला बड़ी बात है, क्यों खौफ क्यों आता है जहाज से, क्यों उड़ने से या ऊंचाई से डर? नहीं, जब उसका दरवाजा बंद करते हैं तो लगता है मेरा दिल बंद हो गया। दिल बंद हो जाता है। और बड़ी बात है कि आप पूरी दुनिया में कॉन्सर्ट्स करते हैं, और शायद ही ऐसा होगा कोई शख्स जो इतना ट्रैवल करे, क्योंकि आपको पूरी दुनिया में इतना पसंद और जाना जाता है और माना जाता है। अच्छा लाला, वीकेंड शो की ऑडियंस को अगला कौन सा आप आइटम पेश करेंगे? वो है जी, मत ऐसे गड्डी ते आ जाओ। अरे वाह, Oh,
वेलकम बैक वंस अगेन. लाला 500 से ज्यादा एल्बम्स, मतलब एक हो जाता है, दो हो जाती है, 15 हो गई, 20 हो गई, 100, 150 हो गई, 500 से ज्यादा एल्बम्स और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम आया, बहुत बड़ी बात है. बस कोई और काम नहीं किया ना सिवाय गाने. क्या चीज? सिवाय गाने के और कोई काम कोई काम नहीं किया, और इसी गाने के जरिए मोहब्बत का भी इजहार कर लिया, गम का इजहार. लेकिन लाला, मुझे जितना सुनने में आता है कि एक वक्त ऐसा था कि आप एक एक महीने में दो दो एल्बम्स रिकॉर्ड कराते थे, और ये मैं आपको बताती चलू, हर एल्बम में कम से कम 8 गाने, 8 से 10. बिल्कुल, कम अज कम, कम अज कम. बस जुनून हो तो ऐसा हो जाता है. जुनून एक हद तक होता है लाला, मतलब इतनी दीवानगी. आपके सामने दीवाना बैठा है, बड़ी बात है. और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आना एक बड़े ऑनर की बात है. अच्छा लाला, अगर आपके हम घर की बात करते हैं, घर के जो दरवाजे हैं उनके बॉर्डर्स के ऊपर वो टेप्स लगी नहीं है, वो क्या है? वो जितने मेरे एल्बम रिलीज हुई हैं वो बाकायदा तस्वीर के साथ वो मैंने अपना बॉर्डर बनाया घर में. अच्छा, वो इसलिए एक तो आने वाली नस्ल को तो नहीं पता होगा कि ये क्या, उसमें कैसेट भी है, ताकि वो मैंने ये जो काम किया है वो उनके सामने हो. अच्छा, और स्विच बोर्ड्स भी पुराने हैं, मतलब एक सब कुछ इंटीरियर जो है सारा. अच्छा, जो चाय आती है वो भी कप्स बड़े टिपिकल किस्म के हैं. हाँ, मैंने वो बिजली का सामान भी वही पुराना लगाया. अच्छा, वही लगाया हुआ है. खराब हो जाए तो सही कौन करता है? वो मैंने ऑर्डर पे इतना बनवाया कि वो खराब कम अज कम मेरी जिंदगी में जो है. प्लानिंग, आप, मैं मान गई, प्लानिंग करते हैं, आपने नहीं पहले कहा था, वो समझ आ गई थी मुझे. लेकिन लाला, घर के कामकाज और घर के मामलात में दिलचस्पी लेते हैं कि नहीं? बहुत ज्यादा. मसलन क्या दिलचस्पी लेते हैं? मसलन कमोड खराब हो जाए तो वो ठीक कर. घर का जो काम होता है कोई भी. लेकिन मतलब अक्सर लोग कहते हैं कि भाई, मेरे बच्चे तो तकरीबन जो कह लें कि वो बर्तानिया में पैदा हुए, बर्तानिया में बड़े, वहाँ तो हर काम के लिए बंदा हायर करना पड़ता ठीक है, आप खुद नहीं करते. तो यहाँ तो हम सब कुछ खुद करते हैं. मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ बेसिकली, ट्रक ड्राइवर हूँ बेसिकली मैं. सही. तो घर का काम करने में बड़ा सुख सुकून महसूस होता. अच्छा लाला, जब ट्रक चलाया करते थे तो वो दौर आपको याद है? उस दौर की कोई यादें हो? ट्रैवलिंग बहुत होती है, जगह जगह पे रुकता भी है इंसान. वो अब भी मैं करता हूँ. अब भी आप रहते हैं? सिर्फ वो सवारी बदल गई है, वरना ट्रैवलिंग उसी तरह है. लेकिन उस दौर की क्या यादें हैं? उस दौर की बहुत सारी यादें हैं. जब एक वाक्या है, उस वक्त तो एक सिर्फ एक इदारा था पीटीवी का, तो उस पर मेरा गाना चला, बालो बतिया माई सानू मारो सानू. तो एक खातून ने मुझे फ़ोन किया कि एक लाइन है उसकी समझ नहीं आई. मैंने कहा कि कोशिश करूंगा मैं आपको समझा सकूं. तो कौन सी लाइन है? तो उसने कहा कि मैं सम्मा ढोले दी बांधे. उसमें एक माइया हम उसे कहते हैं शायरी की ज़ुबान में. पहला मिसरा बेजान होता है, काफिया रदीफ के लिए लगाते हैं. दूसरा मिसरा जानदार होता है, बामानी होता है, और पूरा आप अपना माफी और ज़मीर एक लाइन में बताना होता है शायर को. तो वो था, मैं इत्थे ते ढोला वहाँ थे. वहाँ एक गांव है मेरे इलाके में, यानी मैं यहाँ हूँ, मेरा महबूब वहाँ है. अगली लाइन जो थी वो जानदार थी, बामानी थी, कि मैं सम्मा ढोले दी वहाँ थे. इसका मतलब कहने लगी क्या अर्थ है? मैंने कहा इसका मतलब यह है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने महबूब के बाजू पे सर रख के सो जाऊं. तो कहने लगी अपनी शक्ल देखिए. फिर साथ ही चल, उस वक्त मोबाइल का दौर तो था नहीं. आपने पकड़ा नहीं कौन थी वो? पता नहीं चला आपको? नहीं पता चला, वाकई भी नहीं पता चला. लाला, लेकिन जितना लोग आपसे प्यार करते हैं, अच्छा अपना वो जो प्यार और अपनाइयत मिलती है, कैसा लगता है कि हर एज ग्रुप, आप यंगस्टर्स की जिस तरह सामने बैठे बात करें, बच्चों की बात करें, बड़े, हर कोई आपके साथ कनेक्ट करता है, वो जो अपनाइयत आपको मिलती है, कैसा लगता है वो मोहब्बत? उसका कोई इनेमल बदल नहीं, और ये कोशिश से नहीं होती, ये कोई खास करम नवाजी होती है अल्लाह जल्ले शानू. ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता, किसी किसी के नसीब में आती है. बिल्कुल सही, वाह. और फिर मैं इन
अपने सुनने वालों का बहुत एहसान मंद हूँ कि इतने अरसे बर्दाश्त करना बड़ी बात। बर्दाश्त कर, आप तो इतना मुल्क का असासा है और टैलेंट है लाला कि आपसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मतलब 500 से ज़्यादा एल्बम्स करना, फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड। अच्छा, आपके अगर हम अवार्ड्स की बात करें, हुकूमती सतह पे आपको बहुत से अवार्ड से नवाजा गया, बैनुल अक्वामी सतह पे, कोई ज़िंदगी में आप ख्वाहिश रह गई है कि यार मैंने अब इस मकाम पे पहुंचना, ये सारी ख्वाहिशात पूरी हो गई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है, मैंने जो चाहा, मैंने एक भरपूर ज़िंदगी गुजारी और अल्लाह की ख़ास इनायत रही कि मैंने जो चाहा वो मुझे अल्लाह जल्ल शानहु ने इनायत किया और अब तक मैं उसका जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। अब तो सिर्फ यही ख्वाहिश है कि मेरा पाकिस्तान बहुत आगे जाए, मेरा पाकिस्तान तरक्की करे, आमीन इंशाल्लाह, मेरा पाकिस्तान दुनिया की तरक्की याफ्ता सफ में खड़ा हो, तरक्की याफ्ता मुल्कों से भी आगे निकल जाए। नया पाकिस्तान तो नहीं चाहते आप? नया पाकिस्तान तो नहीं, मैं एक खूबसूरत पाकिस्तान चाहता हूँ। वाह वाह। दिल लगाया था दिल लगी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए, जो न करना था वो भी कर डाला, खुशी के लिए दिल लगाया था दिल लगी के लिए, सारे झगड़े ही सारे झगड़े ही जिंदगी तक हैं, कौन मरता है फिर किसी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए। कहने हैं लाला, लाला जिंदगी के अंदर औलाद की आप क्या समझते हैं, आपकी जिंदगी की बात करें तो क्या अहमियत और कितनी अहमियत है? हासिल जीत तो औलाद ही होती है, बाकी तो सब चीज आनी जानी है। मेरा मतलब है कि बुढ़ापे का सहारा या एक मेरे नाम को जिंदा रखना मेरी औलाद का ही काम है। सावल को कुछ सिखाते हैं क्या, एक ऐसी चीज है बाप और बेटे का? मैंने तो उसे नहीं सिखाया, लेकिन अच्छे असातिज़ा के साथ वो बैठा है, क्योंकि मैं तो खुद अभी सीख रहा हूँ, मुझे तो म्यूजिक की अलिफ बे से नावाकिफ हूँ मैं, लेकिन जो साहेब फन लोग थे उनके साथ उसने बहुत वक्त गुजारा और माशाल्लाह उसने बहुत कुछ सीखा उनसे। बिल्कुल सही। अच्छा लाला, अगर आपकी हम बात करें, आपकी ज़िंदगी के ऊपर नज़र दौड़ा, हर चीज़ नई आपको पसंद होती है, शौकीन है आप शॉपिंग के? शॉपिंग की हम बात करें, उसके अंदर गाड़ी की बात करें, गाड़ी भी ब्रांड न्यू आप लेंगे, घड़ी भी ब्रांड न्यू होगी। मुझे गाड़ी का शौक है बस, और तो मैं जूते भी ब्रांड न्यू, फ़ोन भी ब्रांड न्यू, मोबाइल भी लेटेस्ट, मतलब हर चीज़ ही लेटेस्ट, शौक होता है। ये
मैंने ना कभी जूता लिया, ना कपड़ा लिया, ना मोबाइल लिया, नहीं, ये सब, तो नहीं ना हो सकता। सब मेरे चाहने वालों ने, दोस्तों ने सब भेज देते हैं, तोहफे देते हैं। हाँ, वाकई में जी। सबसे महंगा तरीन तोहफा आज तक क्या मिला? मोहब्बत। जवाब ऐसे देते थे मतलब अगला बंदा कोई बात ही नहीं पूछ सकता ना। मैं कह रही हूँ बड़ी प्लानिंग करते हैं, ये दिमाग चल रहा होता है, ये जो घूर रहे होते हैं ना चीजों को दिमाग सही। लेकिन लाला गाड़ी, गाड़ी का क्यों शौक है आपको? ब्रांड न्यू गाड़ी होती है जब आप देखते हैं। इसलिए कि मैं सफर ज्यादा करता हूँ, शायद ये वजह हो। शुरू से ही मेरा इस तरह का है और अल्लाह का करम है कि उसने हमेशा मेरी ख्वाहिश पूरी की। कभी दिल किया कि अपना आप गेटअप चेंज करें या कभी कन्विंस कर? क्यों लाला, बड़े बड़े बदल जाते हैं। नहीं, मुझे ये शलवार कमीज में जो सुख सुकून मिलता है वो कहीं और नहीं, ना मैनहट्टन में मिलता है, ना ऑस्ट्रेलिया में कहीं मिलता है। दुनिया के किसी कोने में जो बात लाहौर में है, पाकिस्तान में है, मियांवाली में है, वो कहीं और नहीं। इसमें कोई शक की बात नहीं। लाला थैंक यू सो मच, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। सच सच बताएं, जब चीजों को घूरते हैं तो क्या सोचते हैं अपनी जाती जिंदगी के बारे में, अपनी माजी के बारे में? आखिरी सवाल। जाहिर है अपनी, या वो 35 साल वाली उम्र में जो वो गलती की थी वो वाली? बक वो रिलेटेड होता, अब तो मैं सिर्फ तेरे बारे सोच रहा हूँ। थैंक यू सो मच आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहे और अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे। दिल से दुआ हर किसी के निकलती है। लाला जाने से पहले ग्रैंड क्लोजिंग, और लाला आए हुए हो और कमीज तेरी काली ना सुनाए ये हो नहीं सकता। सो ग्रैंड फिनाले में कमीज तेरी काली। कमीज तेरी काली सुन भुलावाली, कमीज तेरी काली सुन भुलावाली। हमें वसे तू वलैत असा करनी नहीं रहते, तेनू लेके जाना है मियां वाली। कमीज तेरी काली नी सुने भुला वाली, कमीज तेरी काली नी सुने भुला वाली। नी चंबे दियां चंबे दियां कलियां नी डंद तेरे कलियां, नी चंबे दियां कलियां नी डंद तेरे कलियां। इक वारी हसे दिल आशिकां दे खसे जे तू, इक वारी हसे दिल आशिकां दे खसे, भुल जाने ओ घर दियां गलियां। कमीज तेरी काली नी सुने भुलावाली, तू पहला पावे ते नखरे दिखावे, सानू पैण ते जुल्फां दी छावें। कमीज तेरी काली नी सुने भुलावाली।